यति धेरै लुगाहरू यु गाइज क्यान सी है म पनि मैले पनि देख्दैछु मेरोमा यति धेरै लुगाहरू छ बट देन जब मलाई लगाउनु पर्छ लाउने बेलामा चाहिँ आई विल नट ह्याभ एनिथिङ के मलाई लाउने बेलामा चाहिँ आई डोन्ट अन्डरस्ट्यान्ड यो लुगाहरू मैले ऑल दिज इयर्स अफ माई लाइफ मैले के लुगा किने भनेर होइन आई सो एज अफ नाउ आज चाहिँ म अहिले फिलहालमा चाहिँ म लेट मी फिक्स अल दिस होइन हेर न पुरा यताउता भइरहेको छ सो आई वन्ट टु फिक्स माई कबर्ड अलिकति लुगाहरू मिलाउनुहुन्छ एन्ड देन मैले यहाँनिर बेड त मैले मिलाइसकेँ सो एन्ड देन आई विल सी यु गाइस सुन वी आर प्लानिङ टु गो एन्ड सी सम फर्निचर होइन अब त तपाईँलाई याद छ वी विल बी सिफ्टिङ इन अ न्यू हाउस हाई एभ्रीवन वन्स अगेन युट्युब च्यानल यस अहिले चाहिँ अब हामी भइसके रेडी तपाईँहरू देख्नुभयो होला होइन ओके सो यो चाहिँ त्यही स्वेटर हो जो कि मैले मार्केटबाट 200 रुपिस सेलमा किनेको थिएँ होइन राम्रो देखिरहेको छ मतलब योसँग चाहिँ मैले अहिले यो के भन्छ मैले भित्रबाट त्यो गन्जी लगाएको छु किनभने अलिकति धेरै अब तपाईँलाई याद छ इट्स डिस मन्थ अफ डिसेम्बर अलिकति जाडो पनि हुन्छ तर धेरै जाडो पनि छैन अलिकति घाम पनि लागिरहेको छ त नर्मली तपाईँले यो स्वेटर के भन्छ स्वेटर तपाईँले त्यस्तो अलिकति हाफ ब्राहरूसँग लाउनु पनि सक्छ द्याट इज टोटली अप टु यु तपाईँहरूलाई कसरी लाउनु मन छ होइन बट आई वर इट विथ द गन्जीसँग सो नाउ वी आर गोइङ सो अहिले चाहिँ म हामी जाँदैछु अहिले फैजान भएकोमा तपाईँले धेरै मिस पनि गर्नुभएको थियो कि फैजान किन आएको छैन भनेर त्यस्तो केही पनि होइन तपाईँहरूलाई याद छ अब के भन्छ उसको पनि त काम हुन्छ हाम्रो जस्तो हाम्रो आफ्नो काम हुन्छ उसको पनि त्यस्तै काम हुन्छ सो बिकज हि वाज भेरी बिजी त्यही कारणले गर्दा हामी भेट भएको थिएन टुडे फाइनली हि इज फ्री सो वी आर गोइङ टु मिट हिम तपाईँले पनि देख्न सक्नुहुन्छ उसलाई है इतना अच्छा खुशबू सुनो ये छेद कैसे हो गया बीच में ये अंडे में छेद हो गया है सो अच्छा अच्छा हाय बोल देना तुम तुझको ना कमेंट में इतना ज्यादा मैसेज आ रहा था बोल रहा था पिंकी ने फैजान को शायद डिच किया होगा कि डिच किया होगा शायद दोनों मैसेज आए तुझे तो अलग बात है मेरे पता है मैसेज आए कि भाई हाँ तूने उसको हाँ नहीं किया तब उसको दूसरा ले गया कैसे देख रहा है तू जूता लगा रहा है कैसे देख रहा है दूसरा भी है उसको लेसेस पकड़ने हाँ जूता अच्छा खरीदा है तूने मुझे तो एक बारे में लगा कि तूने कोई जॉर्डन खरीदा हुआ है लेकिन किस टाइप को देख दे हम गरीब हैं हम जॉर्डन नहीं खरीदते हाँ अगर तू गरीब हुआ ना तो मैं तो तब तो मेरा 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 कौन सा लिस्ट में आएगा नाम भिखारी नहीं देखिए अच्छा है दिस कलर इज वेरी नाइस एउटा भिडियो में कमेंट आ गए कमेंट पढ़ना Yeah, look at this girl played with Faizan feeling for another guy for a few months when I used to follow her. बोल तो रहा हूँ इतना ही आवाज मेरी इतनी है फॉर अ वीडियो शी यूज्ड टू बी चिपको विद हिम एंड नाउ शी इज डम्ड हिम नोबडी इज डम्ड मी मैन लाइक ऐसा कुछ नहीं है बट देखो एक ना मेकअप चिपको वेयर वाज आई चिपको लाइक वी आर बोर्न चिपको वी आर लाइक दिस हम ऐसे ही है सो आई जस्ट वांटेड डोंट स्ट्रेस अबाउट दीस थिंग्स या प्लीज डोंट स्ट्रेस है ना डोंट स्ट्रेस योरसेल्फ एंड नोबडी हैज मेरे को आए क्या 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 इससे बुरे कमेंट्स मेरे पास पड़े हुए हैं इससे बुरे कमेंट्स फजान को आया बोला प्लीज डोंट डू दैट आई जस्ट बी पॉजिटिव लाइक एंड स्टे पॉजिटिव एंड थिंक नाइस देयर इज आल्सो वन मोर कमेंट इट्स लाइक इफ यू आर पेइंग 25,000 फॉर द रेंट के भन्छ यत्रो पैसा रेंट दिनु भन्दा त घरै किन्नु नि भनेर भनेको रहेछ हैन जति सजिलो तपाईहरुलाई लाग्छ नि घरै किन्नु नि बरु फ्ल्याटै लिनु नि भनेर भन्छ बट त्यस्तो लिनु नि 25,000 देने के लिए 25 लाख पहले पॉकेट में होना चाहिए हैन भन्नु सजिलो हुन्छ ओए पता जा रहा लोग बोलते ना 25,000 तुम रेंट देते हो घर ले लो ईएमआई भरो हाउ डिफरेंट पहले ईएमआई भरने से पहले आपको जब आप घर खरीद रहे हो आपको कुछ इंस्टॉलमेंट अपनी देनी होती है वो नियरली 25-30 लाख रुपए होती है एंड इट्स नॉट अबाउट 2-3 लाख रुपीज यू नो वी आर नॉट दैट रिच दैट वी कैन स्पेंड दैट मच मनी एग्जैक्टली बट वी आर नॉट दैट रिच राइट नाउ or we don't have that much of we don't have papa's money or mama's money so we don't have that much of you know aukat ki hum you know abhi ghar le sake ya koi kya bolte hai ghar lene se pehle kuch amount hum de sake wo 25-30 lakh ki baat hoti hai wo koi 2-3 lakh ki baat nahi hai
सो त्यही भएर पनि वी आर पेइङ 25,000 फर द रेन्ट. कसलाई मन हुँदैन आफ्नो घर लिनु? कसलाई मन हुन्छ यतिकै रेन्ट 25,000-30,000 रुपियाँ रेन्ट दिनु? कसलाई मन हुन्छ? लेकिन त्यो मन मात्रै भएर हुँदैन, सोचेर मात्रै हुँदैन नि त. वी हेभ टु डु इट. सो मेबी वी आर ट्राइङ आवर बेस्ट. तपाईँले भन्नुभयो होइन, अगर तपाईँहरूको आशीर्वाद लाग्यो भने तपाईँहरूले हाम्रो यसरी नै लाइफ राम्रोसँग चलेपछि मेबी वान डे वी क्यान बाई आवर ओन हाउस. ओके, सो नाउ वी आर अफ टु द मार्केट बिकज टुडे फजान विल हेल्प अस टु सी द बेस्ट फर्निचर. सो लेट्स सी. होइन आज हम जा रहे ऑटोमै हो गया, आज हम जा रहे हैं ऑटो में, गाड़ी लेके नहीं जा रहे क्योंकि जहाँ पे हम जा रहे हैं क्योंकि हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ पे पार्किंग के लिए बहुत इश्यू होता है. सो नाउ लेट्स गो. मुझे गाड़ी चलाना अच्छा भी नहीं लगता. और उसके पास ऑलरेडी गाड़ी है ना, गाड़ी है भैया के पास. ओके चलो बाय, सी यू इन अ बिट. इसका बाल ना इससे पहले यहाँ से निकला होता है ऐसे टावर की तरह, वो देख देखियो क्या हेयर स्टाइल है. देखिए अपनी हालत, दूसरों को दिखा रही है अपनी हालत, देख ले. बहुत ठीक लग रही है प्रियंका, ठीक लग रही है ना वो, इतनी ठीक लग रही है, एकदम दामी दामी, हड्डियों का ढांचा. कुत्ता तू ना थोड़ा वहां से आ, चल के आना, आई विल सी तुझे कैसे दिखता है. नहीं तू इधर आना मेरी तरफ, चल के आ. हाँ ओके, सो बताना फैजान अभी कहाँ पे आए हम लोग. इसमें रखेंगे हम बहुत सारा चेक बुक. बताना हम कहाँ पे आए. हम आए लाजपत नगर मार्केट, जहाँ पे सारा वुडन फर्नीचर वगैरह सब कुछ है. सस्ता मिलता है, महंगा तो रीजनेबल है उतना भी. सो जाके चेक करते हैं. आई थिंक दीज आर ऑल, इसको क्या बोलते, विंटेज. ये वाला चेयर इस नहीं, इस चेयर में बिठा के मैं फैजान को घुमाऊंगी. तो नया घर ले लेगी तब. हाँ तू खरीद के देगा मुझे. कितना लम्बा मिरर है यार, टेबल है ना कसो राम्रो, यो स्लिम स्लिम हो नि त, स्लिम यो टेबल कति राम्रो छ. आई एम स्योर यसको दाम पनि महँगो होला, लामो छ त अन्त. देयर आर टु मेनी फर्निचर, दिस इज एन ओल्ड विन्टेज टाइपको रहेछ नि. यहाँ नै हामी त हाम्रो घरमा, हाम्रो घर अब कस्तो छ त है, हाम्रो त्यो मेमेहरूले बनाएको जस्तो पहिरहेको. ओ नोट ब्याड, टेबलहरू पनि रहेछ भैया. यो येलो टेबलको कितनेको है? 5,500 का. यसमा कलर मतलब यही कलर आएगा, यसमा दुसरा कलर पनि गर सक्थ्यो, कलर पनि गर सक्थ्यो होइन. कम्ती छैन त. सो बेडको बेड कहाँ पुछ्थ्यो होइन, क्विन साइजका, क्विन साइजका नि बनाना पडेगा अनअर्डर. नहीं बनाना पड़ेगा फिर उसका कैसे हिसाब होगा प्राइस का? 16,000 से स्टार्टिंग है. क्वीन साइज बेड 16,000 से स्टार्टिंग. स्टोरेज वाला विदाउट स्टोरेज? स्टोरेज विदाउट स्टोरेज और स्टोरेज दोनों का ही 16,000 से स्टार्टिंग. ये 22,000 का. ये किंग साइज है? किंग साइज. ये जो वुड है ना, ये किसका वुड है? ये टीक वुड है. टीक वुड? आई एम नॉट श्योर रियल टीक होगा. रियल टीक इज लाइक चेक करा देंगे. हमारे घर में सब फर्नीचर सब टीक को तो नहीं, अगर रियल टिक तो इट इज 800 रुपए एक्सपेंसिव होने की. हमारे भी घर में सारे टिक का ही फर्नीचर है. ये देख कितना अच्छा है, ये देखिए वाला बहुत भारी भी होगा ना. ये भी अच्छा है, ये कुशन वाला, कुशन वाला. ये कौन सा इसका है? 6x6 किंग साइज है. लेकिन क्वीन में भी बन जाएगा राइट भैया? मैट्रेस वगैरह मिलते हैं कहाँ पे? ये यहाँ पे एलाइट फर्नीचर है गुरुद्वारे के बगल में. अच्छा अलग से मिलते हैं यहाँ पे? नहीं बेसिकली. आप थोड़ा प्राइस बताओ तो 8 इंच वाला कितने का मिलेगा? मैम सर आपको वहीं जाके पता करना पड़ेगा. ऐसे आपको नहीं पता, आप बता देना इनकी दुकान से आए तो आपको प्राइस भी सही लग जाएगा. ओह माय गॉड बहुत है यार. अच्छा पीछे बनाते होंगे क्या ये? यही बड़े टेबल है. अरे मैं तो इस तरफ तो कभी आई नहीं, काफी बड़ा है. ये ना ले यही पिछाड़ी बनाऊंगा रिश्ता. ना मिरर कुछ तो प्रिटी प्रिटी मिरर्स हो, वेरी नाइस प्रिटी मिरर्स. व्हाट इज दिस? ये क्या है? चेयर. दिस इज आल्सो चेयर. चेयर है ना? जी
चल बेटा प्रियंका कैसा होता है? दूरी स्ट्रॉन्ग खाले दूरी हो डिजाइन हो टेबल भैया ये जो टेबल है इसका क्या प्राइसिंग है? अच्छा ये आपको दुकान में चालीस सौ पे यहाँ पे बो मिरर है ना सो नाइस नाइस डिजाइन ये तो पूरा पतला हो गया लेकिन साइज साइज को पाउंडर है मिरर ये प्लेट का क्या चक्कर है यार ऐसे मैंने बहुत देखा है भैया ये जो प्लेट है ना ऐसे ये किस हिसाब से आप बेचते हो ये कंप्लीट सेट है या मिला के करना पड़ता है? मैम इतना ही है अब आप देखो कैसे क्या सेट बनाना चाहते हो आप पे डिपेंड। अच्छा नहीं नहीं जैसे कि ये एक सेट ये है दिस इज द वन सेट सारे अलग अलग है सेट आप बना सकते हैं। ओ अच्छा ये आपने चिपकाया है ऐसे नहीं ये जो प्लेट है खाने वाला नहीं है बट सजाने वाला है ना। अच्छा ये पर प्लेट के हिसाब से आप वो देखो मतलब बेचते हो कितने का होता है पर प्लेट? मैम जैसे कि ये 800 का है इस पैटर्न के जितने भी हैं हाँ। 800 के हैं ये 1000 का है। अच्छा डिफरेंट ओके ये चिपकाना पड़ता है ओके ठीक है उधर सर बहुत अच्छा दिखता है लेकिन ये सजाने में ना दीवार पे पैसे भी ये तो बैग झुंडा होने वाला होला है ब्याग झुन्डा हुन्छ लुगा भन्दा पनि ब्यागहरू झुन्डा हुन्छ कतिजना त चल आगे छ मिरर चल आगे छ ये भेटन त तुने भी लिया है ना इस टाइप का शूट के लिए तीन वाला डिफरेंट लिया ऐसे ही लिया था बट डिफरेंट है इसका चल आगे चलते। अच्छा अरे तो तूने बोला था ना तू बाइक लेगा नेक्स्ट मंथ ये ले ले प्रियंका यो ओए यो सुनि त पहिलाको डिजाइन छ त हाम्रो मेमीहरूको पहिलाको डिजाइन हेर्नु हेर्न वाट इज दिस यो के है सजाने वाला ल चेयर्स सो नाइस नाइस ओह वाओ ओके यार ये तो आई एम श्योर दिस दे विल से 5-6 हज़ार तो बोलेगा होगा ये है ना ये आपका दुकान है ये बोला 40 दुकान ये कितने का वेट होगा ये 12.5 हज़ार का 12.5 हम सोच रहे थे 5 सबने गिन के बोला हां सबने गिन के बोला वो 1-2-3 गिनती 12.5 हज़ार इट्स प्रीटी एक्सपेंसिव हियर हां शेल्फ डिजाइन अच्छे बट प्रीटी एक्सपेंसिव है ना बट मिलता सब कुछ है यहाँ पे लोग भैया 12 हज़ार ये 12 हज़ार का क्या है इसमें सर काम का फर्क है इसमें आगे बूढ़े जाओ इसमें कौन सी बूढ़े है क्या क्या हो रहा टिक ये बोल रहे हैं ये फ्रंट का फ्रेम ये जो फ्रंट का लगा हुआ है आप इसका बोल रहे हैं कि इसकी वजह से इसकी 12 हज़ार कॉस्ट है इनका ये क्या है इनका किनका क्या प्राइसिंग है 6,500 अरे नीचे का अलग है ये मिला अलग अलग है ना आइजा आइजा दाम सुनेर तँलाई छक्क परिस दाम सुनेर छक्क परिस काश मेरे पास ऐसे सब सब हो इसमें मैं अपना सब गुची पूची सब जूता रखूंगी हाँ आज तो ये नहीं है सीखा सुनो अभी के लिए ये टोकरी में काम चल जाएगा ये अपनी क्या जूता रखने हो आई डोंट नो ये भी जूता रखने वाला है 5,000 बोलेंगे क्या बताओ क्वीन साइज बेड का क्या प्राइसिंग है ये वाला नहीं हमें क्वीन साइज बेड चाहिए पर साइज 5x6 वो साइज अच्छा मतलब ये आपको ये क्वीन साइज अगर बनाना हो तो आप बनाओ प्राइसिंग क्या है इसका ये वाला कौन सा अच्छा डिजाइन चूज करना है हमें तो वैसे नॉर्मल सिंपल वाला ही चाहिए डिजाइन तो
इतना कुछ खास डिजाइन नहीं चाहिए, 16,000 का वहाँ पे भी आगे भी 16,000 स्टार्टिंग रेट है क्या क्वीन साइज बेड का? हाँ जी, ये देखिए ये सब का क्या है? ये 28,000 का। ओ, अब ये तो सब पे थे हमारे पास घर को पुराना डिजाइन से तो घर पूरा घूमे करो या नहीं ये स्टोर ऐसे बस सारे हमारे ना दादा दादा दादी के टाइम का है डिजाइन विंटेज वाला हमारे मतलब होम टाउन सिलीगुड़ी से ना हम लोग वहाँ पे है हमारे हमारे पास है ऐसे डिजाइन 15 लाख लग जाएगा 15 लाख लग जाएगा मतलब कोई भी ऐसा चूज करना इसमें का अच्छा इसमें कोई भी चूज कर सकते हैं और वो आप बोल रहे हो इसका 15 मिलाओगे एक बेड का तो महंगो पड़ जाएगा इसका क्या है 24,000 तो क्या है ये पूरा कुशन वाला है पूरा कुशन वाला भी है इनके पास साइड के टूल्स भी है किसके साथ बोल रहे नहीं वो एक्स्ट्रा टूल्स तो एक्स्ट्रा कितने का ये वाला पिंक वाला किसी का भी कितने ये कितने का पिंक टूल नहीं 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 ये बेड ये बेड है ना हाँ 24,000 टूल कहाँ देखा तूने यहाँ पर भैया साइड के टूल कितने के इसके 7,000 का पेयर है ये पेयर है जी वाओ सो अमेजिंग यार ये तो पहला पुरखा पुरखा में खजाना भाई एक्सेस आता था पाउने से सब पे कुरा पाउने क्या मम्मी है ना अल आते ना उठा अल आते अगर ना बातचीत बने ठीक है ठीक है अगर गुस्सा आए तो इसको उठा के पटक घंटी है ये घंटी से अगर एक बार पड़ी ना ये वो नहीं देखी है इस मूवी में तूने याद है कौन सी मूवी वो शाहरुख खान की सबसे फेमस मूवी उसमें नहीं है घंटी है दरवाजे पे माय गॉड क्या बात है शाहरुख खान की मूवी कौन सी ओ वाओ आपको तो व्हाइट कुछ मतलब बना है सर मिरर का डिजाइन देखना माय गॉड नॉट बैड तो तपाईलाई हामीले मार्केट पनि देखाइ दिइहाले हैन मतलब वन थिंग त्यो मार्केटमा चाहिँ यति धेरै राम्रो राम्रो चीजहरू थियो हैन अन्त लाइक ऐसा लग रहा था कि उस मार्केट में जाके सामान खरीदने के लिए मुझे 20 साल और मेहनत करनी पड़ेगी सर नहीं 50 साल हूं बहुत महंगा देता हूं 50 साल प्राइस बहुत ज्यादा नहीं मुझे लगा था 20 साल पर फजान ने बोल दिया 50 साल 30 साल और ऐड कर दे बट प्रीटी एक्सपेंसिव और लेकिन सामान दाम के अनुसार द क्वालिटी इज आल्सो गुड आई गेस इट इज बट एक्सपेंसिव देन द अदर मार्केट्स सो बिकॉज़ यू आर मेन साउथ दिल्ली में सो जस्ट थोड़ा एक्सपेंसिव बट दे हैव एवरीथिंग मतलब ऑन ऑल दोस विंटेज काइंड ऑफ स्टफ माय गॉड सब कुछ है मेरे शादी में देगा तो यहीं से खरीद हां एक जुड़ा दे दूंगा सर के लिए मैं वो देता घंटी टिंग टिंग वो देता घंटी टिंग टिंग कर लेना तू समझ जाएगी मैं किस मूवी की बात कर रहा हूं अभी भी वही अटका हुआ है कौन सा मूवी सुन तो मुझे फेमस मूवी है बहुत ओके एनीवेज सो लेट्स कम टू द पॉइंट हमें हामीले चाहिँ यति देर हामीलाई बेड त थियो तर अलिकति 16,000 देखिको स्टार्टिङ थियो द्याट्स वाइ वी फाउन्ड इट लिटल बिट एक्सपेन्सिभ सो त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ वी विल गो टु अनदर मार्केट अनदर मार्केट मेबी इन फ्यु डेज बट दिस मार्केट वाज लिटल एक्सपेन्सिभ फर अस बट फर द पिपल हु क्यान अब के भन्छ स्पेन्ड मनी दे हेभ लाइक एभ्रिथिङ बट फर अस इट्स लिटल एक्सपेन्सिभ बट एनीवेज थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ एन्ड सी यु इन द नेक्स्ट ब्लग And bye and wish us luck that maybe hamile khojeko jatiko dam ma pani saman pai halas bhanera hai bye bye